ये गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह ये मुझे पार्सल मिल गया है। अभी बज रहा है 9 और मुझे स्मिटन ने भेज दिया है मेरा पार्सल। लेट मी जस्ट ओपन, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें। और यस, बाकी सारी चीज़ें भी आपको बाद में ही बताऊँगी। फिलहाल आप ये डब्बा देख लीजिए, इसे इन्होंने तो सैनिटाइज़ करके रखा है, बट स्टिल मुझे दोबारा सैनिटाइज़ करना है। तो लेट मी जस्ट प्रे एंड कीप इट ऑन विंडो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है ट्यूसडे एंड जय बजरंग बली। बाय द वे, एक दुख की बात है कि कोलकाता में विंटर जा रहा है या आ रहा है समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि विंटर मुझे फील ही नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो मैंने स्वेटर्स भी उतार दिए, बिल्कुल भी ठंड फील नहीं हो रहा है। तो कैसे कॉफ़ी पीऊँ? मेरे लिए तो विंटर का मतलब ही है कॉफ़ी। बाय द वे, स्मिटन से एक कॉफ़ी का पाउच भी आया है, एक नहीं 4 से 5 आए हैं। तो शाम को अगर मौका मिलता है तो देवराज के साथ एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी। अभी चलते हैं छत पे, क्योंकि मुझे ब्लैंकेट्स डालने हैं छत पे। ये रहा मेरा ब्लैंकेट। अरे बाप रे, इसे लेके मैं जा रही हूँ छत पे। और लेट मी जस्ट टेल यू, अब इसे खूब अच्छे से धूप खिलाऊँ, घंटे 2 घंटे ये अच्छे से धूप ले लेगा, उसके बाद मज़ा आएगा माई को सोने में। अगर मान लो आपके बच्चे ठीक से सोते नहीं हैं, सुन लो, जो जो अपकमिंग मदर्स है या फिर जो मदर्स है, न्यूली मदर्स है, सोच भी रही है जो, उनके लिए एक ट्रिप है, मेरे लिए बहुत अच्छा टिप्स है। अगर आपके बच्चे ठीक से सोते नहीं हैं, साउंड स्लिप नहीं सोते हैं, क्या करें? विंटर के दौरान हो या समर के दौरान, समर के दौरान मत कीजिएगा, विंटर के दौरान तो ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा काम करेगा। बच्चों को अच्छे से तेल मालिश कीजिए, उसके बाद इस तरीके से ब्लैंकेट को धूप में रखिए, बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा। बच्चे जब सोएंगे तो बच्चे के ऊपर ये डाल दीजिए, देखिए बच्चा कैसे साउंड क्लिप्स होता है, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये ट्रिक मैं अप्लाई करती हूँ अपनी बेटी के ऊपर, क्योंकि मेरी बेटी बहुत नटखट है, थोड़ी सी आवाज़ से उठ जाती है। तो जब मैं ये ट्रिक करती हूँ ना, वो अभी बिल्कुल भी नहीं उठती। अभी आपको पता है विंटर है, तो विंटर में वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती है। तो मैं ये ट्रिक बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जिनके भी जो भी मदर्स है, ऐसे बच्चे उठ जा रहे हैं, अचानक से आप खाना बनाने जा रहे हो, तो मेरा सोचो जब मेरी बेबी सोती है तो मैं शावर लेने जाती हूँ, तो मेरा क्या हाल होता है। बीप, बताना नहीं। और बाकी ये कुछ प्रोडक्ट्स आए हैं स्मिटन की तरफ से, प्लम, और ये 2 परफ्यूम है। ये वाला मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन ज़्यादा छोटा है सोचो। और ये वाला का स्मेल कुछ ज़्यादा ही मीठा है, जो मुझे उतना खास पसंद नहीं आया है। ये एम्बार्क है और ये लव फ्लेवर है, और एक ये पाउच मुझे मिला है उनके साथ स्मिटन की तरफ से। और ये कॉफ़ी है, ये है कोलंबियन ब्रू कॉफ़ी, जो कि क्रीमी कैरमल है। लेट्स मी ट्राई, मेरे से रिजिस्ट नहीं हो रहा। यू कैन सी यहाँ पे 3 और सैशे है, तो देवराज के साथ एंजॉय कर लूँगी। फिलहाल मैं ट्राई कर लूँ एक। बता दूँ, मेरी एक बुरी आदत है, पता है, मैं कोई न्यू चीज़ आती है ना, तो मैं उसको ट्राई करने के लिए पागल हो जाती हूँ। आई एम अ क्रेजी पर्सनैलिटी बेसिकली। मेरे को लगता है कब से ट्राई करूँ और आपके लिए रिव्यू पेश करूँ। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई दिस, और वैसे भी कॉफ़ी लवर हूँ तो बनता है यार, मेरे से इतना देर रेजिस्ट नहीं हो रहा है। शाम को कब वो आएंगे, फिर ट्राई करेंगे, उनको अलग से बना दूँगी, उनका भी रिव्यू आपको इसी चैनल में मिल जाएगा। बट लेट मी जस्ट ट्राई फर्स्ट। और मेरे पास मिल्क पाउडर भी रखा हुआ है, अमूल का स्प्रे है मेरे ख्याल से। जल्द लेट मी जस्ट सर्च आउट, आई थिंक बॉक्स में ही होगा। बाय द वे, चीनी डालना भूल गई हूँ, और कॉफ़ी विदाउट चीनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो चलो थोड़ा चीनी डालते हैं, इसका फ्लेवर कैसे आता है वो मैं आपको बताती हूँ, अभी बताती हूँ यार, मैं भी एक्साइटेड हूँ लाइक यू। आई थिंक दिस मच वुड बी इनफ, इससे ज़्यादा चीनी डालूंगी तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। इससे पहले कि विंटर ख़त्म हो जाए, सो लेट मी ट्राई दिस कॉफ़ी, अदरवाइज मज़ा नहीं आएगा। इट्स रियली सो क्रीमी, जैसा इन लोगों ने मैंशन किया हुआ है। बाय द वे, मैं आपको बता दूँ, हम दोनों ही इतने बड़े कॉफ़ी लवर है कि हम लोग जब लास्ट हमारा जो ट्रिप था, इसे हटा देती हूँ, थोड़ा मुंह के सामने रखा हुआ है, लास्ट जो हमारा ट्रिप था ना सिडनी, यानी ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप, तो हम दोनों वहाँ पे पता क्या करते थे, जहाँ भी हमको हॉल्ट मिलता था, कहीं थोड़ी देर के लिए लोगों को मूड फ्रेश या रिफ्रेश होने के लिए थोड़ी सी हॉल्ट करते थे गाड़ी, तो हम दोनों वहाँ पे बैठ के कॉफ़ी ड्रिंक करना, कॉफ़ी डेट करना स्टार्ट कर देते थे। तो किसी एक लेडी ने मुझे बहुत, हम दोनों को बहुत ज़्यादा फॉलो किया था, तो वो अचानक से सडनली शी केम टू मी, और उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया कि न्यूली मैरिड, तो आई सेड यस। मैंने सोचा कि भाई 2 साल भी न्यूली होते हैं, हाँ, तो फिर हमारे 2 साल हुए थे शादी के,
और उसके बाद शी आस्क्ड मी के कितना टाइम हुआ, कितना मंथ्स हुआ, एग्जैक्टली शी आस्क्ड मी कितना मंथ हुआ. तो आई सेड के 2 साल हुआ है मैडम. कहती 2 साल हुआ, आप कहती न्यूली मैरिड हो. तो मैंने बोला हाँ 2 साल तो न्यूली मैरिड ही होते. तो कहती ओ मैं सोचा तुम्हारा न्यूली शादी हुआ है, आप लोग इतना कॉफ़ी पीते हो एक साथ बैठ के. मतलब लोग सोचते कि डेट कर रहे हैं बैठे बैठे. तो बेसिकली आज भी मुझको बोलिए या देवराज हमको चाय ब्रेक पे जाना या कॉफ़ी ब्रेक पे जाना, डेट पे जाना बेसिकली बहुत अच्छा लगता है. हम दोनों वहाँ जाते हैं, पीते हैं, खाते हैं, बातें करते हैं, फिर चले आते हैं. तो बेसिकली वहाँ पे जो सारे यंग जनरेशन थे देवर जस्ट वो लोग बहुत ही ज़्यादा घूम रहे हैं या वहाँ देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं. तो हम लोग कॉफ़ी पी रहे, ये लोग सोच रहे कि ये भाई लगता है इनकी नई शादी हुई है, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं. बट ऐसा नहीं है, हम कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं ज़्यादा. बट हालांकि यस, कॉफ़ी इतना ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, इट कंटेन्स कैफीन. और स्पेशली मैं विंटर वाली जगहों पे ही पीती हूँ क्योंकि उस वक्त मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है जो समर में होती है. समर में कैफीन आपकी बॉडी में कुछ ज़्यादा ही बुरा काम करता है, स्पेशली पीपल्स लाइक जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है. तो हम दोनों को पाइल्स की भी प्रॉब्लम है. तो यस, कॉफ़ी हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है. सो एनीवेज, काफ़ी बातें हो गई है मॉर्निंग में और कॉफ़ी एंजॉय करते हैं. बाय द वे, आप लोग भी एक बार स्मिटन से ट्राई कर सकते हो ये प्रोडक्ट्स. 199 में आपको आई थिंक 4 से 5 प्रोडक्ट मिल जाते हैं. और एक पाउच अभी तक अवेलेबल है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि वो एक लिमिटेड एडिशन था वो पाउच स्मिटन का, मैंने आपको दिखाया ब्लैक कलर में. आप चाहे तो उसे ऑर्डर कर सकते हो. आपको करना क्या है, मेरा एक कोड होगा मैं आपको दे दूंगी, जैसे ही आप एंट्री करोगे वो कोड के थ्रू एंट्री कीजिएगा, उसके बाद ऑर्डर कर लीजिएगा. 199 में आपको इतने सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे. एंड डेफिनेटली ये जो आपको लग रहा है ये छोटे छोटे फाइल्स है, ये जो परफ्यूम्स के ये फाइल्स काफ़ी एक्सपेंसिव फाइल है. अगर आप इसे बड़े बॉटल खरीदने जाओगे ना, आपको समझ आएगा कितने एक्सपेंसिव है. वर्थ रुपीज़ अराउंड 1000 समथिंग और 2000 समथिंग के ये परफ्यूम्स है, जो कि मैंने छोटे छोटे फाइल्स लिए हैं. तो मुझे मुझे बेसिकली थोड़े से परफ्यूम्स भी काफ़ी अच्छे लगते हैं. तो कॉस्मेटिक्स तो खाली मैं वो सारे कॉस्मेटिक्स यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया है, तो अचानक से नहीं ले सकती. इसलिए मैंने प्लम का मैंने काफ़ी नाम सुना है, वो पोर क्लिनजिंग फेस वॉश है, उससे मैंने मंगवाया है. एनीवेज, बहुत बातें हो गई सुबह सुबह, आप लोग थोड़ा सा ब्लॉग इन्जॉय कीजिए, मैं अपना कॉफ़ी इन्जॉय करती हूँ. ये देखो ओ नीचे अच्छे दादा, माही माही जाबी माही बोलचे नेकी और पूछ पूछ दादा माही दादा माही दादा तो नहीं माही दादा नहीं की करे जाबी हाँ ए बाबा उस वो है दादा, दादा के लिए माही खड़ी है यहाँ पे, दोनों खेलेंगे इसलिए. बोलो ताता को जाओ. ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट, आज है मंगलवार, कद्दू आलू की सब्जी फ्राई साथ में रोटी. खेल जाएंगे ब्रेकफास्ट को जाएंगे. ও ওদের ওখানে না মাহি বোধ হয় জুতোটা রয়ে গেছে ये वो स्पिटन का बैग, जो बैग एक्चुअली पाउच है, तो इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें कैरी कर सकते हो. चेन भी काफ़ी अच्छा है, छोटी छोटी चीज़ें यू कैन कैरी, थोड़ी मोटी चीज़ें कैरी करके आप ले जा सकते हो. तो आई थिंक ये एक लिमिटेड एडिशन है, ट्राई जरूर कीजिएगा. जैसे ही आप कुछ परचेज कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपके साथ ऐड हो जा रहा है, ये बेस्ट पार्ट है. अगर ये रहता है स्टॉक में इन रहता है तो ये आपका ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा. दिस इज़ वर्थ ₹499 जो कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है. तो अच्छी बात है, आप लोग ऑर्डर ज़रूर कीजिएगा. मैं आपको बताई हूँ, आपको लिंक्स दे दूँगी और इन्जॉय कीजिए. जो जो प्रोडक्ट्स है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स है, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी है ना, प्रोडक्ट जो ट्रायल प्रोडक्ट्स है उनकी क्वांटिटी बेसिकली क्या है, थोड़ी कम है, 25 ml करके है. तो मैं आपको हो सकता है पिक्चर्स में वो काफ़ी बड़े दिखे, लेकिन वो एक्चुअल में बहुत छोटी है, इतनी सी होगी. मैं एक बार जस्ट ये देखो, मे बी आपको ये वीडियो में भी काफ़ी बड़ा दिख रहा है, मैं मेरे हाथ में भी इनफैक्ट ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है मेरे को वीडियो में, बट दिस इज़ मैं आपको दिखाती हूँ कितना छोटा है. ये देखो,
मेरी फिंगर्स से जस्ट इतना बड़ा है, तो आप सोच लो ये कितना छोटा है। तो जब हम कंपेयर करते हैं ना तो हमको समझ आता है। बेसिकली ये है ग्रीन टी पोर क्लिनजिंग फेस वॉश। तो थोड़ी थोड़ी मुझको भी पोर्स है, मुझे बहुत पिम्पल्स होते थे जब मैं टीनेजर्स से लेके क्या मैं कॉलेज में भी थी तभी मुझे पिम्पल्स होते थे। तो वहाँ के जो पोर्स है वो मेरे थोड़े से एनलार्ज रह गए हैं, लार्ज रह गए। तो मैं उनके लिए ये प्लम का ग्रीन टी पोर्स ओपनिंग वाला क्लिनजिंग फेस वॉश मंगवाई हूँ। हालांकि मुझे ट्री ट्री वाले छोड़ के कुछ सूट नहीं करता, बट रिसेंटली मैंने देखा कि ग्रीन टी भी मुझे काफ़ी अच्छा सूट करता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे एक बार ट्राई करूँ। काफ़ी नाम सुना है मैंने प्लम ब्रांड का, तो मैंने छोटा सा एक सेशन मंगवा लिया है। अब इसे इस्तेमाल करूँगी और फिर आपको रिव्यू भी दूंगी कि ये कैसा काम करता है और किन को इन्हें मंगवाना चाहिए कि नहीं, जैसे जैसे इसके फीचर्स है क्या ये क्लेम करते हैं कि नहीं। तो लेट मी जस्ट ट्राई और देन आई विल लेट यू नो अबाउट दिस प्रोडक्ट, कितना अच्छा है कितना बुरा सब कुछ, एवरीथिंग अलग सा ब्लॉग बना दूंगी। आपकी जो दो प्रोडक्ट्स है ये बेसिकली कुछ परफ्यूम्स हैं, मैं आपको बता दूँ। दिस इज़ एक्चुअली अ लव एंड जॉय ब्लूम है ये, और दिस इज़ एक्चुअली EDP जो कि मतलब है और दे परफ्यूम। ओके, जो कि ये बहुत देर तक स्टे करते हैं, EDP ज़्यादा देर स्टे करते हैं। ओदे कोलोन और ओदे परफ्यूम अगर आपने इस्तेमाल किए होंगे तो EDP ज़्यादा देर स्टे करते हैं। और लेट मी टेल यू, ये अनदर वाला जो मेरे पास सैशे है सैम्पल है ये है एम्बार्क माय पैशन फॉर हर, और दिस इज येट अगेन ओदे परफ्यूम EDP। तो EDP जो होती है ना स्मेल उनकी बहुत अच्छी होती है बेसिकली, और लेकिन मुझे इसका स्मेल कुछ खास नहीं लगा। काफ़ी मीठा मीठा स्मेल है, बहुत ही मीठा स्मेल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये स्मेल। तो और ये स्मेल मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा जो कि बहुत ही कम है। बट बेस्ट पार्ट बता देती हूँ आपको, जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल्स में या किसी भी बड़े बड़े परफ्यूम्स को ट्राई करने जाते हो, परचेज करने जाते हो, तो आपको ऐसे छोटे छोटे सैम्पल्स मिलेंगे उनको ट्राई करने के लिए। तो मान लीजिए आपने कोई एक परफ्यूम की परचेज किया है तो उसके साथ आपको दूसरे परफ्यूम का एक ऐसा सैम्पल मिल जाता है ताकि आप उसे ट्राई करें, और अगर आपको पसंद आता है तो बड़ा वाला भी आप उसे ट्राई कर सकते हो। तो ये बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। सो वाई नॉट यू कैन ऑल्सो ट्राई इफ़ यू आर अ परफ्यूम फाउंडर, आपको परफ्यूम पसंद हो तो डेफिनेटली आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे रेंजेस वहाँ पे है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इनफैक्ट मैंने सुबह सुबह स्प्रे भी किया था, काफ़ी देर तक स्टे कर रहा है, मैंने जैकेट पे किया था अभी भी स्प्रे कर रहा है। और जैसे आप ये देख सकते हो विंटर कम है तो उसकी वजह से हल्का वाला स्वेटर मैंने डाल दिया है, माही का लंच बन रहा है। एंड एनीवेज ये कुछ प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाए हैं। कॉफ़ी भी काफ़ी अच्छी है, क्रीमी है, क्योंकि यूजुअली जो कॉफ़ी हम लोग खाते हैं नेस्कैफे बोलिए ब्रू बोलिए, अगर आप उसे मिलाते हो ना उसका थोड़ा सा हल्का सा फीका फीका टेस्ट रह जाता है, बट इसमें मुझे एक क्रीमी फ्लेवर मिला है, अलग से क्रीमी। तो दिस इज़ बेस्ट थिंग व्हेन यू आर गोइंग समवेयर, सो यू कैन मिक्स इट इन अ वाटर और विद अ मिल्क पाउडर और थोड़ा सा हल्का शुगर, दैट्स इट, काम बन जाएगा। तो चलिए काम करती रहती हूँ और बीच बीच में आप लोगों से मिलती रहती हूँ। और यहाँ आप देख सकते हो मैंने माही का डिनर भी बिठा दिया और प्रेशर कुकर की हवा निकल रही है। देखो प्रेशर कुकर भी बोल रहा है कि बेटी को बोलो अब चबा के खाए, कितना दिन और ऐसे गीले गीले खावे भाई। और माही का वहाँ पे डिनर बन रहा है क्योंकि मैं शाम को सोच रही हूँ आज एक मेरे दूसरे चैनल के लिए ब्लॉग बनाऊँ, बहुत दिन हो गए उसके लिए मैंने ब्लॉग ही बनाया। बट वहाँ पे ब्लॉग बनाने में थोड़ा सा कंटेंट अलग होता है, यहाँ के कंटेंट काफ़ी ईजी है, डेली लाइफ के ब्लॉग में जो डेली लाइफ में चल रही होती है वही आपको दिखाना होता है। बट वहाँ पे क्या होता है कुछ कंटेंट आपके स्क्रिप्टेड होते हैं, स्क्रिप्टेड रहने से हमें पता है आगे क्या बोलना है आगे क्या होने वाला है। सो पूरा थॉरली आपको रीड करना पड़ता है, थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है, दैट्स इट। और अभी माही गई है सामने वाले किसी के घर में, एक भैया मैं आपको दिखा रही थी ना उस सामने फ्रेंड, तो आज उसकी मसाज नहीं हुई ऑयल मसाज, वरना माही को मैं मसाज करती हूँ ठीक उसी वक्त में वो भागी है, उसको पता है मम्मा आई है अभी आके मसाज करेगी, तो भागो पहले भाग लो। और चलो अभी मैंने उसका गीज़र ऑन कर लिया है, अभी 12 बजने में 20 मिनट है, जूस निकालूंगी फिर जूस पिलाऊंगी, अभी बुलाऊंगी ना, देखना वो आने नहीं मांगेगी, बिल्कुल नहीं आने को मांगेगी, बोलेगी कि नहीं टाटा टाटा। जाने से पहले मैं होमवर्क करके रखना पड़ेगा मेरे को, मैं माही के कपड़े निकाल के रखती हूँ, और गीज़र का तो मैंने ऑन कर ही लिया है। पे रख देती हूँ मैं माही के पैंट और शर्ट, और यहाँ पे रखती हूँ मैं उसे गले के कपड़े उसके चेयर में, और फिर अभी जाती हूँ जूस बनाने। और ये देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मैं जितने भी ऑरेंजेस के जूस निकालती हूँ माही के उसके पील्स को यहाँ पे रख देती हूँ धूप में सूखने के लिए, ताकि मैं इसका अच्छे से स्क्रबर बना पाऊँ। और आप चाहे तो इससे एसेंशियल ऑयल भी बना सकते हो, बाय द वे मैंने बना के भी रखे, मैं दिखाती हूँ एक मिनट। ये देखो ये रहा, ये बेसिकली वो स्क्रबर है, पील स्क्रब है ऑरेंज का, आप इसे किसी भी तरीके से एज अ स्क्रबर भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर इसके एसेंशियल ऑयल बना सकते हो, या मास्क भी बना सकते हो, हनी में डाल लो थोड़ा सा पानी डाल के, बस बन जाएगा। फिर से अब मैं जाने वाली हूँ जग में, बाय द वे दिस इज़ एक्चुअली ऑरेंज जूस,
इट इज़ फुल इन फुल विद विटामिन सी, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी है। और मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों को बचपन से ही विटामिन सी भरपूर मात्रा में दीजिए। जिन बच्चों को स्पेशली कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम है उनको विटामिन सी ज़रूर दीजिए, इधर मोसम्बी दीजिए। गर्मी में मैं मोसम्बी देती हूँ, मोसम्बी जूस, और सर्दियों में ऑरेंज जूस। इससे क्या होता है, कई बच्चों को कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम होती है वो थोड़ी सॉल्व हो जाती है। और आप ना बच्चों को जितने छोटे से उनका बेस अच्छा करोगे, जैसे मानो आप भरपूर मात्रा में वेजिटेबल्स दीजिए, फ्रूट्स जूसेस दीजिए, विटामिन सी होना चाहिए भरपूर मात्रा में। इससे क्या होता है, बच्चों के अगर आपने उनको बेस अच्छा किया हो तो 8-10 साल तक के बाद आपको उतनी चिंता नहीं होती कि बच्चों को ठंडा लग जाए बच्चों को, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बूस्टअप हो जाती है, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है उनकी इम्यूनिटी। तो आपको वो चिंता नहीं होती है कि अब बच्चे को ठंड लग गया तो वो क्या करेगा, उसको ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप बच्चों को छोटे से ही ये सब चीज़ें मेंटेन करते हो, अच्छा फूड देते हो, उनका ब्रेन डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होता है। तो जो मदर्स है काइंडली इन चीज़ों को नोट अप कर लीजिए, या फिर अगर आप न्यूली मदर्स हो या सोच रहे हो बनने वाले हो तो ज़रूर इंक्लूड कीजिए इस तरह के जूसेस, मोसम्बी और ऑरेंजेस। सॉरी मैं क्या बोल जाती हूँ कभी कभार। फिलहाल तो मैं अभी बुलाने जा रही हूँ और वो आने नहीं वाली है, तो ये एक ज़बरदस्ती का कांड होने वाला है। तो मेरी अभी एक युद्ध होने वाली है माही के साथ। पिछली बार मैंने ब्लॉग में आपको दिखाया भी था, तो इस बार भी आपको दिखाऊंगी कि होता क्या है। फिलहाल मैं उसको एक बार बुलाती हूँ, देखना आती है कि नहीं। ये देखो माही देखेगी नहीं अभी, ये वो देखेगी नहीं, उसको पता है। जैसे ही मैं उसको भी टाइमिंग पता है कि मैं इस वक्त बुलाती हूँ किस लिए, 10:30 बजे माही का मसाज होता है, ऑयल मसाज, और ठीक 12:10 होता है या 5 मिनट, तब उसका जूस पीने का टाइम होता है। और पीने के थोड़े 5 मिनट बाद मैं उसको शावर दिला देती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद सो जाती है। तो अभी चलो नीचे चलते हैं पकड़ने, क्योंकि वो मुझे देख ही रही है, क्योंकि उसको पता है मम्मी अभी माही 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 कोई नहीं, म्याओ कोई। चटनी बन गई माही, माही चटनी बन गया मेरा हालत बना कि घोड़ा है नहीं आई आनी बस आनी टाटा कर दे इस बीजदान में कूद जे। अरे बाबा बीजदान में कूद जे पूरा। चलो अब चलो, दुष्टू बच्चा, बहुत दुष्टू है ये, मेरा पूरा चटनी बना दिया। कल से मैं एक कॉम्प्लेंट बना के जाऊंगी तुमको जूस पिलाने, बच्चों के साथ दौड़ दौड़ के हमें हाँ पी रहे। तो मम्मा का पापा दिए जाओ, मम्मा का बोले बोले बाबा गाले। चलो अभी शावर लेंगे, सो गई अभी। अब मैं थोड़ा सा, मुझे मी टाइम मिलेगा, मी टाइम में थोड़ा सा गर्म पानी, हल्का वार्म गुनगुना पानी पीऊंगी और 10 मिनट जस्ट एंजॉय करूंगी, उसके बाद मैं भी शावर लेने चली जाऊंगी। हाँ यहीं ना, हाय। और ये देखो माही ने चोटी बांधा है, माही जा रही है बड़ी ठामी से मिलने, यानी मामूनी से मिलने, और साथ में कोची और थम्मी, ठीक है। दुष्टु करबे ना, किंतु करबे कि दुष्टु करबे ना, तो चलो माही जाएगा ना, माही थम्मी से मिलने जाएगा। हाँ तुम्हारा शूज पहन लो, माही का शूज ना, माही जूता पड़े ना, माही दीदी टाटा, माही टाटा टाटा टाटा, माही टाटा, नीचे ना नीचे ना, टाटा हाथ धरे ना माही, हाथ धरे हाटो, হাত ছাড়বে না কিন্তু, হ্যাঁ আসছে কচি আসছে, হাত ছাড়বে না কিন্তু, টাটা। ওই যে একজন রয়ে গেছে না, ফাইনালি মাহি টাটা করতে করতে চলে গিয়ে ও
अभी मैं उसका डिनर को दोबारा बैठा देती हूँ और मुझे दूसरे चैनल का एक ब्लॉग बनाना है आज, बहुत दिनों बाद नए साल का नया ब्लॉग। भाई कैसा घुमा? हाँ बड़ी दादी के घर कैसा घुमा? এটা ড্যাডি 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 যেটা তুমি হারিয়ে ফেলেছো যে তুমি ঘুম কর দিয়া বেটা ওই ফোন কা ডব্বা এই ডব্বা এসে ভি ঘুম করোগি এই ছোট সে বচ্চে নে দেখ লিজিয়ে আতে হি শুরু কর দিয়া হ্যায় আতঙ্ক আতঙ্ক ফেলা কে রাখা হ্যায় এরে ডব্বা 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 এটা কি করবি अब चलो खाना पीना हो गया है, मतलब डिनर हो गया हमारा और अभी टाइम आता है हेयर कॉम करने का। मेरे हेयर्स काफ़ी रफ हो रहे हैं, आई नीड टू टेक केयर फिर से, बट विंटर में होती है थोड़ी सी आलसी पत्ती हो जाती है। और देखो मैं आजकल बहुत ज़्यादा मीठा कर रही हूँ, उसका सबूत है ये पिंपल हो रहे हैं मेरे को। मैं एवरी डे एक पेस्ट्री और एक केक का पीस अलग से, जो फ्रूट केक होता है वो खा जा रही हूँ। पता नहीं क्या मुझे एक मीठे की ना बहुत गंदी क्रेविंग होती है। मैं आपको बता दूँ, मीठा नहीं खाना चाहिए ऐसा मेरा दिल करता है, मतलब मन बोल दिमाग बोलता है, दिल नहीं सुनता, तो ये एक प्रॉब्लम हो रही है। तो मीठा खाने की वजह से मेरा ये पिंपल हो रहा है। और कोशिश कीजिए जिनको पिंपल्स वगैरह होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है ना, मीठे को अवॉइड करें। आई नो मीठा बहुत अच्छा लगता है, मीठा खाने से थोड़ी क्रेविंग्स और बढ़ जाती है मीठे खाने की, और स्पेशली लाइक पेस्ट्रीज चॉकलेट्स आइसक्रीम्स। अब समर में आइसक्रीम अच्छा लगता है और विंटर में पेस्ट्री वगैरह, तो क्या करें आप बताओ। चॉकलेट तो ऑल सीजन फेवरेट है, अब मुश्किल हो जाता है, उसके कारण पिंपल्स बहुत ज़्यादा होता है। तो जिनको पिंपल होने की संभावना होता है ना, मीठा अवॉइड कीजिए। बोल रही हूँ दिल पे पत्थर रख के, बट यस एनीवेज चलो कहती हूँ गुड नाइट। माही गई है नीचे, अभी आ जाएगी, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अपना ख्याल रखिएगा खूब सारा, करके कमेंट्स लाइक एंड शेयर करना भूलिएगा नहीं, बेल बटन को भी दबा दीजिए। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब एंड बेल बटन ज़रूर दबाइएगा, अदरवाइज चैनल की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी और मैं कब आऊँगी कब चली जाऊँगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।